जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। आइए प्रेमियों, 2019 शरद नवरात्रि की तिथियों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। नवरात्रि प्रतिपदा 29 सितंबर 2019 रविवार को हो रहा है और महानवमी सरस्वती विसर्जन, नवरात्र की समाप्ति, बलिदान दिवस ये जो है 7 सितंबर को हो रहा है और दुर्गा विसर्जन विजयादशमी 8 अक्टूबर को होगा और प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, हर रोज एक एक देवियों के स्वरूप का एक एक पूजन होता है, अलग अलग देवियों का आवाहन है, आवाहन मंत्र उनकी सवारी है, सकुटुम्ब सपरिवार सवाहन सशस्त्र आवाहयामी पूजयामी आवाहन किया जाता है, बैठाया जाता है मंत्रों के द्वारा और पूजन किया जाता है। इससे मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो बताया जाएगा दुर्गा सप्तशती के पाठ करने की विधि। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने की विधि दो प्रकार की है, एक संपुट और एक साधारण पाठ। इस पाठ में किस मंत्र से संपुटित किया जाएगा तो क्या फल मिलेगा, जैसे लाइट है तो इस तार में बिजली दौड़ रही है, उस बिजली से हम बहुत सा काम करते हैं, लाइट भी जला लेते हैं, एसी भी चला लेते हैं, पंखा भी चला लेते हैं और बहुत तरह के मशीन फैक्ट्री भी चलती है और पावर का और सिस्टम का सिर्फ फर्क होता है। उसी तरह से एक ही दुर्गा सप्तशती के पाठ से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में काम कर रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, बार बार असफल हो जा रहा है, तो उसको साल में 3 नवरात्रि होती है, एक गुप्त नवरात्रि होती है उसको कम लोग जानते हैं, लेकिन 2 नवरात्रियों में विशेष करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोग दुर्गा माता का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक का संपुट करने पर 2100 हो जाता है, तो निर्धनता प्राप्त है, सफल नहीं हो रहे हैं, इसके लिए अलग अलग संपुटित करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, किसी को अनुभव हो रहा है अपने परिवार में कि कोई हमारे पूर्वज में या कहीं घर से अल्ला बल्ला अगल से कोई हमारे कार्य को बाधित कर रहा है, विघ्न पहुंचा रहा है या छाया महसूस हो रहा है परिवार के किसी सदस्य पर, तो उसके लिए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र से संपुट किया जाता है। और धन प्राप्ति की इच्छा के लिए करो तो सानो शुभ हे तुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भी हम तुचापद, फिर शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। अब कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, दवा भी काम नहीं कर रहा है, तो भगवान ने जो आपके कर्मानुसार जो आपको सजा मिला है, दंड मिला है या जो रोग मिला है तो अपने ही कर्मों के अनुसार मिला है, तो फिर वही चीज टैक्स डॉक्टर का आदमी दे लेता है, सात ब्राह्मणों का दे लेता है, तो ये कम हो जाता है और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाता है। तो पूजा पद्धति जो है पूरा वो किस चीज पर आधारित है, दो प्रकार की पूजा पद्धति है, एक ये कर्मकांड की पद्धति है। इस पद्धति से और इसका संबंध जो है, सबका संबंध जो है वो आयुर्वेद का संबंध किससे है, जड़ी बूटियों से। पूजा पाठ का संबंध किससे है, जड़ी बूटियों से। हवन का संबंध किससे है, जड़ी बूटियों से। सब जड़ी बूटियों से संबंधित चीजें हैं। तंत्र का संबंध किससे है, जड़ी बूटियों से। मंत्र का संबंध किससे है, जड़ी बूटियों से। यंत्र का संबंध किससे है, जड़ी बूटियों से। तो ये चीजें शुद्ध नहीं मिलेगी तो संदेहास्पद कार्य हो जाता है। जैसे आज घी का मिलना मुश्किल हो गया है, जबकि घी मिल रहा है, दुकानों पर जाते हैं तो दुकानदार, मैंने देखा सुना है अपनी कानों से आंखों से देखते हैं रोज, वो दुकानदार पूछता है कि घी किस काम के लिए लेंगे, पूजा के लिए लेंगे कि खाने के लिए लेंगे। अब बताइए, तो पूजा के लिए, पूजा आप कर रहे हैं जिसकी वो, उसके लिए और बढ़िया चीज़ से बढ़िया चीज़ चाहिए,
अपने पूज्य को, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसके प्रति आप अच्छा भावना रखते हैं, उसको सड़ी गली चीज देंगे कि और अच्छा से अच्छा चीज देंगे? तो और अच्छा से अच्छा देना चाहिए, तो वो निम्न स्तर का चीज दे देता है। तो जैसे तैसे काम लोग करा लेते हैं, चलिए किसी तरह से नुकसान तो नहीं होना है, लेकिन पूजा पाठ का फल नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि जो फल मिलना चाहिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो खर्च किया गया, वह पूर्ण होना चाहिए। और यदि सही ढंग से किया जाता है, अधिक से अधिक संभावना रहता है उसको पूर्ण होने में। और इन सब चीजों में गड़बड़ी रहती है तो हो भी जाएगा, नहीं भी होगा संदेहास्पद हो जाता है। इसलिए अच्छा से अच्छा चीज, चावल, तिल, जौ, घी या जो चीज उपलब्ध हो पूजा के लिए, जो मांगा गया है, वह आपको उपस्थित श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए, तो निसंदेह ये चीजें प्राप्त हो जाती हैं। और अलग अलग मंत्रों से संपुट करके उसका पाठ कराना चाहिए। अब इसके विषय में आगे मैं बताऊंगा कैसे पाठ की विधि है। अपने से करना चाहें तो अपने से कर लीजिए, और आचार्य ब्राह्मण को बुलाकर कराना चाहें तो वो तो जानकार हो ही हैं, लेकिन आप भी जान लीजिए किस उद्देश्य से करा रहे हैं। एक ऐसे ही हम अपने शुद्धिकरण के लिए, मकान शुद्धि हमारा सब ठीक ठाक रहे, इसलिए करा रहे हैं, तो इसके लिए पाठ वही होगा ना है, सिर्फ उसमें अंतर हो जाता है संपूर्ण मंत्र। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, मातेश्वरी शक्ति दुर्गा, जय माता जी।